हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टंबल गाइस वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं गाइस कि बीटा कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि बहुत लोग को ये मालूम नहीं है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अपडेट कैसे करें, बीटा ज्वाइन कैसे करें, इसलिए उन लोग के लिए वीडियो है। जिसको ऑलरेडी आता है ना, वो वीडियो देखने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है, वो कमेंट में लिख के जा सकते कि मुझे सब आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर स्टंबल गाइस सर्च करना है गाइस, फिर स्टंबल गाइस खोलना है, ठीक है। तो आपको जो पब्लिक वर्जन है ना वो दिखेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप बिल्कुल नीचे आओगे ना तो आपको ज्वाइन बीटा का ऑप्शन दिखता है, लेकिन मैं एक बार आपको कंफर्म करा देता हूँ। ये देखो, ये पेंट स्प्लैश वाला अपडेट है। अब आप बिल्कुल नीचे आओगे ना तो ऐसे ज्वाइन द बीटा लिखा आएगा, तो उस पर आप ज्वाइन दबा देना। अब इसमें यार टाइम लग सकता है, कम से कम आपको 10 या 20 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन आप 5 मिनट के बाद एक चीज़ कर सकते हो जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि ये प्ले स्टोर का ग्लिच रहता है कि ज्वाइन भी हो जाता है ना तब भी बताता नहीं है, तो वो ग्लिच हटाने के लिए अपन को क्या करना है, आपको अपनी प्ले स्टोर की सेटिंग्स में आना है और आपका जो कैश है ना प्ले स्टोर का वो क्लियर कर देना है गाइस, तो आपका ग्लिच सही हो जाएगा। फिर आपके जो रीसेंट ऐप्स है ना उससे आपको प्ले स्टोर क्लियर कर देना है गाइस। और अब आपको फिर से स्टंबल गाइस सर्च करना है प्ले स्टोर पर जाके, और अब आपको दिखेगा गाइस बीटा वर्जन। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है यू आर अ बीटा टेस्टर फॉर दिस ऐप, और यहाँ पे हम चेक करें तो न्यू मैप लावा लैंड लिखा है, तो इसका मतलब आपके पास बीटा वाला अपडेट आ चुका है गाइस। तो अब आपको क्या करना है, ये इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद उसके अंदर जो आपका अकाउंट खुलेगा ना गाइस वो बीटा अकाउंट रहता है। आपका मेन अकाउंट और बीटा अकाउंट अलग अलग रहता है, इसलिए आपके क्राउन्स या स्किन्स चले जाए तो आप टेंशन मत लेना, क्योंकि वो अलग अकाउंट रहता है। जैसे ही पब्लिक अकाउंट का वर्जन आएगा ना तो फिर आप वो इंस्टॉल कर सकते हो, फिर आपका पब्लिक अकाउंट वापस आ जाएगा। बस इतना ईजी रहता है गाइस। तो अगर आपको आ गया समझ में यार, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब देना। बाकी अगर स्टंबल गाइस के न्यू मैप का अगर आपको गेम प्ले देखना है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, देख लो दबा के।